डिलीशियस मैजिकल फूड की तरफ से आप सबको हैप्पी नवरात्रि। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैंने बनाई थी व्रत वाली थाली, जिसमें बनाई थी लौकी की खीर, कुटू आटे की पूड़ी, साबुदाने की खिचड़ी और आलू टमाटर की सब्जी। पिछले वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी लौकी की खीर की रेसिपी। इस बार मैं आपको बताने जा रही हूँ कुटू आटे की पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल डिलीशियस मैजिकल फूड को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं व्रत वाली आलू टमाटर सब्जी बनाने जा रही हूँ, उसके लिए हमें चाहिए 3 हरी मिर्च, 2 बड़े टमाटर और 7 से 8 उबले आलू और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने इसको लेके रख लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आलू को पहले से उबाल के रख लिया, तो आप पहले आलू को उबाल लीजिए। और यहाँ मैंने लिया मिक्सी जार, जिसमें मैं मिर्ची काट के डाल रही हूँ, टमाटर काट के डालूंगी और डालेंगे हम अदरक। इसको हम पीस लेंगे, ज़्यादा हमें इसे बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा दरदरा, जैसे मैं जनरली अपने हर सब्जी की पेस्ट के लिए ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, ये व्रत के लिए है तो आप रिफाइन ऑयल या फिर घी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ घी यूज़ कर रही हूँ, मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। तो मैंने 2 टीस्पून घी लिया है। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम उसमें 1/2 टीस्पून हम जीरा डालेंगे, और जब हमारा अच्छे से जीरा तड़कने लगेगा तो हम उसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने पहले से पीस लिया है। ये सब्जी बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपने आलू बॉईल कर रखा है तो ये मुश्किल से 10 मिनट में सब्जी बनके एकदम रेडी हो जाती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी आपको दिखाने के लिए, वो ये कि जब जीरा डाला था तो मैंने उसी टाइम डाला था कड़ी पत्ता, और उसके बाद मैंने डाला है ये टमाटर का पेस्ट। तो अब हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, मैंने काली मिर्च भी जीरा पाउडर साथ पीस रखा हुआ है, तो आप 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ज़रूर डालिए, क्योंकि मेरे यहाँ व्रत में हल्दी खाई नहीं जाती, इसलिए मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ। पर अगर आप हल्दी खाते हैं तो आप हल्दी डाल सकते हैं, और नॉर्मल डेज भी आप ये सब्जी बना सकते हैं, चाहे तो सेम इसी प्रोसेस से, या फिर आप तेल भी चेंज कर सकते हैं और नॉर्मल नमक जो खाते हैं वो भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हल्दी नहीं खाते इसलिए मैं इसमें सिर्फ जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था मैंने कड़ी पत्ता डाला है, जो शूट नहीं करवाया तो आपको पैसे दिखा रही हूँ। तो हमारा मसाला एकदम भुन गया है, अगर आप इसमें और भी फ्लेवर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में कई सारे मसाले, ऐसे कई सारी चीज़ें जो नहीं खाई जाती हैं, इसलिए मैंने इसमें धनिया और जीरा पाउडर ही डाला है। अब इसमें हम उबले हुए आलू जो मैंने आपको दिखाए थे वो उसको हम हाथ से हल्का सा फोड़ के इसमें हम डाल देंगे। और डालेंगे हम से सेंधा नमक, इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। ये व्रत वाला नमक है जो व्रत में खाया जाता है। अगर आप नॉर्मल डेज में चाहें तो आप नॉर्मल नमक भी खा सकते हैं जो आप यूज़ करते हो। इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसमें हम डालेंगे पानी। अब जैसे मैंने यहाँ हल्दी नहीं डाला है, पर अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको अच्छा कलर देना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ मैं लगभग डाल दूंगी 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी, जिस तरह की आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी आप डालिए। और अब हम इसको ढक के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, 7 से 8 मिनट के लिए काफ़ी होगा। तो देखिए 8 मिनट हो गए, ये हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से उबल चुकी है, बॉयल हो चुकी है। अब इन आलू को हम हल्के हल्के हाथों से उसको फोड़ते हुए जाएंगे, ताकि जो आलू है और जो ग्रेवी है थोड़ा सा मिक्स हो जाए और जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाए। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको जैसी ग्रेवी चाहिएगा आप उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। तो देखिए एकदम बनके रेडी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, अगर आप व्रत में कसूरी मेथी नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं, मैं खाती हूँ तो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए इसको मैं मुश्किल से 2 मिनट और अच्छे से बॉईल करूँगी ताकि सब एक साथ हो जाए। तो देखिए मैं आलू टमाटर सब्जी बनके एकदम रेडी है, और इसमें मैं गार्निश करूँगी धनिया पत्ती से। हमारी सब्जी बनके एकदम रेडी है। अब आपको एक टिप्स और देना चाहूँगी, अगर आप नॉर्मल डेज में बनाना चाहें तो आप इसमें मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं, इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट रेसिपी है कुटू आटे की पूड़ी, जिसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 उबले आलू। तो हम इसे ग्रेटर से या मैशर की हेल्प से इसे मैश कर लेंगे, ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। हाथों से हम इसे नहीं फोड़ेंगे, इसलिए ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए, अगर लम्स रह जाएंगे तो हमारी पूड़ी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ मैंने इसे कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया है, और 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च डाली है।
अगर आप मिर्ची कम ज़्यादा जैसा खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। साथ ही मैं डालूंगी यहाँ पे धनिया पत्ती और साथ में आधा छोटा चम्मच जीरा, साबुत जीरा उसमें डालेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे ढाई कटोरी कुटू आटा इसमें मैं डालूंगी। अब हम इसमें डालेंगे हमारी पूरी आइटम थोड़ी खस्ता हो जाए तो दो छोटे चम्मच हम इसमें घी डालेंगे, क्योंकि मैं व्रत करना थी मैं घी यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे सेंधा नमक। अगर आप नॉर्मल लेज़ी बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं, बस सेंधा नमक की जगह आप नॉर्मल नमक यूज़ कर लीजिए। तो इसको हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको हमें सख्त आटा गूंदना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ही इसका आटा गूंदिएगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट पानी लेकर आटा मत गूंदिएगा, वरना होगा ये कि हमारा जो आटा है वो गीला हो जाएगा और फिर इसे पूरी बेलने में दिक्कत आएगी। तो हमें इसका एकदम सख्त आटा इसे हमें गूंदना और पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा लेके गूंदना है। और एक चीज़ और इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूँ, वो ये है कि जब आपको बनाना हो पूड़ी तो उसके 10 मिनट पहले ही आप आटा गूंदें। बहुत देर पहले से अगर आप आटा गूंद के रखेंगे तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और ये मतलब गीला होता जाएगा। तो ये हमारा आटा गूंद के एकदम रेडी है। हम इसे छोटे छोटे हम इसके बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए मैंने छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लिए हैं। एक बोल को हम रोलिंग पिन पर रखेंगे और इसको हम बेलेंगे। या मैं कुटू आटे की हेल्प लेके इसे बेल रही हूँ, क्योंकि ये आप ऑयल से करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। इसको आपको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, मतलब आप जितना पूरी के लिए बेलते हैं उससे स्लाइटली सा ये मोटा हो रखिए, वरना होगा ये कि आपको इसको तलते वक्त ही टूट सकता है। तो इसे हल्के हल्के हाथों से बेलिए और स्लाइटली सा बस पूरी के से, या कह लीजिए रोटी जो बनाते हैं स्लाइटली सा, बाकी बहुत मोटा भी नहीं है। तो यहाँ तेल हमारा हो गया एकदम गर्म, उसमें हमने डाल दी है पूड़ी और हम इसको तलेंगे। देखिए हमारी पूड़ी फुल रही है। जितना अच्छा आप आटा मारेंगे, ये सबसे बेसिक पॉइंट है कि पूड़ी या रोटी उतनी ही अच्छी खिली खिली बनेगी। तो देखिए पूड़ी का क्या कलर होकर रहा, क्या हमारी पूड़ी एकदम खिल गई है, एकदम फुली फुली हमारी पूड़ी बन रही है। देखा आपने, बहुत ही बेसिक सी टिप से, बहुत ज़्यादा इतना इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं बना सकते। बहुत आसानी से मार्केट में कुट्टू आटे मिल जाते हैं, घर में भी होते हैं, आप इसे नवरात्रि व्रत में भी खा सकते हैं, मतलब खाते ही हैं, साथ में आप नॉर्मल डेज में भी इसे खा सकते हैं। तो इस नवरात्रि आप ये ज़रूर बनाइएगा। देखिए अब मैं और भी इस तरह से बाकी पूड़ी बेल के और इसको तल लूँगी। ध्यान रखिए एकदम हल्के हाथों से इसको बेलिएगा। बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिएगा वरना तेल भी ख़राब हो जाता है। लिमिटेड ही यूज़ करें जिससे आप इसको ईजिली हैंडल कर सकें। और इस तरह से करके हम सारी पूड़ियों को तल लेंगे। देखिए ये पूड़ी हमारी एकदम खिल गई। आप इसे आलू टमाटर सब्जी के साथ खा सकते हैं, कोई भी व्रत वाली सब्जी, नॉर्मल सब्जी, इवन चाय के साथ भी, दही के साथ ये बहुत चलेगा। तो मैंने यहाँ व्रत में बनाया है कुटू आटे की पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की। और जैसा मैंने कहा था कि पिछले रेसिपी में मैंने आपसे शेयर की थी लौकी की खीर, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि कैसा बना है। साथ ही साथ मुझे ये बताइएगा कि आगे आप और क्या देखना चाहते हैं। तो देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैंने व्रत वाली थाली बनाई थी जिसमें ये सारी चीज़ें को रेसिपी मैंने आपको बता दी। जो बचा है इसमें साबूदाना, तो मैं आपसे पहले भी अपने वीडियो में आपसे शेयर कर चुकी हूँ, ईजी नवरात्रि व्रत रेसिपी में मैंने आपसे इसकी शेयर की है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपसे शेयर कर दूँगी। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ आपसे। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।